आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार प्रणाम। बहुत अच्छी सीरीज चल रही है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, और इससे ये सिद्ध होता है कि आज भी मेरा गांव, मेरा समाज, मेरा देश अपने ऋषियों की परंपराओं की तरफ लौटना चाहता है। मुझे बहुत खुशी हुई, एक भाई हैं गौरव जयपुर से, और वो केवल 15 साल का बच्चा है। मेरे पास अभी सुबह सुबह फोन आया, कल वो लाइव में जुड़ा हुआ था। बोलता, सुनील भाई आपकी वीडियो को देख के मतलब मुझसे रहा नहीं गया, मैंने फोन कर लिया। क्यों कर लिया फोन, ये समझने की बात है। कल मैं ब्रह्मचर्य पे बात कर रहा था, और ब्रह्मचर्य से युवाओं को जोड़ के जब बात की तो वो 15 साल के कई बच्चे जो राजस्थान से है, जयपुर से, वो बहुत खुश हुए और उनका सुबह फोन आया। तो ऐसे ऐसे युवाओं को जब बात समझ आ रही है तो मुझे ये इच्छा हुई कि इसको और गति दी जाए, इसको और डिटेल में समझाया जाए। तो जो सीरीज चल रही थी अपनी गर्भ विज्ञान वाली, उसी पे एक बहुत जरूरी बात है, और वीडियो को पूरा सुनना तो आपको कुछ बहुत फायदा होने वाला है। आज समाज में कैंसर बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं, और उस कैंसर के बहुत से कारण हैं। अब कोई कह देता है कि नशा एक वो कैंसर का कारण है, धूम्रपान कैंसर का कारण है, और तंबाकू कैंसर का कारण है, लेकिन 99% से भी ज्यादा महिलाएं तो नशा नहीं करती, महिलाएं तो तंबाकू नहीं खाती, सिगरेट भी नहीं पीती, बीड़ी भी नहीं पीती। उनका क्या है, ये सोचने का विषय है। तो जब मैं इसको पढ़ रहा था तो बहुत बड़ी बात समझ में आई, और वो आपके लिए बहुत जरूरी है। जरूरी विचार ये है कि जब हम गर्भ विज्ञान के मासिक धर्म वाले चैप्टर को समझ रहे हैं तो बहुत गहरी बात निकल के आई। मासिक धर्म का सबसे बड़ा नियम है कि शांत चित रहना है, एकांत में बैठना है, कोई कुछ काम नहीं करना ज्यादा। लेकिन उसी समय एक सबसे जरूरी काम है जो आजकल के छोटे परिवारों में जरूरी हो गया है, क्योंकि परिवार टूटने से और गांव में काम धंधे ना रहने से लोग जो शहरों की तरफ चले गए हैं उनके लिए छोटे परिवारों में रहना मजबूरी है। और जब उस परिवार में किसी महिला को मासिक धर्म आता है तो उसको उसी समय चूल्हे के पास भी काम करना पड़ता है, गैस का चूल्हा हो या गांव में मिट्टी का चूल्हा हो। तो कहते हैं कि इस समय में जो मासिक धर्म है, शरीर में बहुत गर्मी रहती है, गर्मी नहीं रहेगी तो शरीर की सफाई नहीं होगी, तो गर्मी रहती है, और ऊपर से चूल्हे की आंच का जो सीधा असर है वो सबसे सॉफ्ट हिस्सा है किसी भी महिला का, किसी भी माँ का, वो है छाती। वो पूरी की पूरी हीट छाती पे अटैक करती है या छाती पे लगती है, और पहले से शरीर में गर्मी होती है, ऊपर से छाती पे हीट आई तो बहुत ज्यादा हीट के कारण खूनी समस्या आती है, खून में विकृति आती है। और खून में विकृति आने से सबसे ज्यादा समस्या है वो है छाती के कैंसर की, ब्रेस्ट कैंसर की, और महिलाओं में ये भयानक स्थिति हो चली है। अपने इन समस्याओं का कारण ये है कि आज का जो ज्ञान है, ये जो समझ है, किसी को रही नहीं है, तो ये किसी को समझ नहीं है। तो आज की मॉडर्न लड़कियां तो और ज्यादा समझ से बाहर है, उनको तो कुछ भी नहीं पता है। तो वो एक चीज शायद आंच के पास तो ना बैठती हो, आगे के पास तो ना काम करती हो, लेकिन और बहुत सी ऐसी गलतियां हैं जो वो करती हैं, और वो करती रहती है, उनको पता ही नहीं है। तो ऐसी हालत में मासिक धर्म के नियमों का पता होना बहुत जरूरी है, आपको भी पता होना जरूरी है। अगर आपको भी पता है तो आप अपने घर में बहुत बड़ी आने वाली बीमारी से अपने आप को बचा सकते हो, अपने घर में लाखों रुपए के खर्चे से बचा सकते हो डॉक्टर को, और चलो पैसे भी खर्च हो जाए, लेकिन कैंसर जैसा रोग आ जाए तो पूरा घर बिक जाता है, पूरा पैसा खर्च हो जाता है, आगे फिर उसके बाद आदमी भी जीवन से चला जाता है, एक माँ बहन बेटी इस दिन दुनिया को छोड़ के चली जाती है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसको नहीं मानता है, विकृति जो आती है वो माँ या बच्चे में आएगी, किसी
किसी वैद्य वगैरह में, ऋषि मुनि में तो नहीं आएगी, क्योंकि वो तो बता के चले गए। अब नियम मानना ना मानना तो उनकी मर्जी है। परिणाम ये आया है आज के मॉडर्न जमाने का कि एक लड़की है मेरे रिश्तेदारी में, वो नर्सिंग कर रही थी, तो उसने बताया कि भाई आपको पता है किस हद तक बुरी हालत है। मुझे नहीं पता। बोलती कि मेरी क्लास में 50-60 लड़कियां थी, और मेरी मैडम ने पूछा कि कौन कितनी लड़कियां जो एक बहुत अच्छी माँ बनना चाहेंगी। कहती हैं कि हम तो सबकी सब यूट्रस निकलवा देंगी, हमें जरूर चाहिए ही नहीं बच्चा। आप समझ रहे हो, ये हालत उस देश की है जहां पे महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, किन किन का नाम लू, छत्रपति शिवाजी, राजीव दीक्षित, लाल बहादुर शास्त्री, ऐसे ऐसे योद्धा पैदा हुए हैं। तो ऐसे योद्धाओं को जन्म देने वाले देश में माएं ऐसी बात करें कि हम तो यूट्रस निकलवा देंगे, तो भयानक स्थिति है। तो आप इस बात को गौर करिए कि अपने घर में कोई भी ऐसी व्यवस्था करिए जिसमें मासिक धर्म के समय किसी भी लड़की को, माँ बहन बेटी को आग के पास 4-5 दिन काम न करना पड़े। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, आप सहयोग भी कर सकते हैं। हमारे पास, जैसे कि पहले भी आपको पता है, हमारे पास चीनी मुक्त, शुगर फ्री, शहद में बने हुए प्रोडक्ट्स हैं। शुद्ध शहद है, सीधा पेड़ों का टूटा हुआ, जंगली एरिया का, और उससे बने हुए प्रोडक्ट हैं। जैसे गुलकंद है, वो किसी भी लड़की को जिसको पीरियडिकल समस्या है उसको ठीक करेगा, एसिडिटी के लिए बहुत ठीक करेगा। शहद में, शुद्ध शहद आपके शरीर को प्योरीफाई करता है, डिटॉक्स कर देता है। जिसको कैल्शियम की कमी है या जिसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, तो उसके लिए बांस का मुरब्बा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको वो मुरब्बा खा के और वो जो नीचे लिक्विड बचता है, जैसे चीनी के घोल बचता है, चाशनी बचती है, उसको फेंकना पड़ता है, क्योंकि चीनी का पानी होता है। अपने आप चीनी का पानी नहीं, वो शहद है, बाद में उसको शहद को खाओ, साथ साथ में आप शहद के लिए में जो प्रोडक्ट है उसको खाओ, तो आपको लिस्ट मिल जाएगी। और मैं डिस्क्रिप्शन में अभी नंबर भी डाल देता हूँ, आप उस पे मैसेज करेंगे तो आपको लिस्ट आ जाएगी और आप ऑर्डर करिए। इतने सहयोग की हमें जरूरत है। जनता सरकार मोर्चा की इस मुहिम में आप जुड़िए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।